इतना मैंने बोला राहुल को एक अच्छी फोटो दे दे, एक भी अच्छी फोटो नहीं ली है इसने, इतनी गंदी फोटो ली है ना हमारी, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाओगे? बाहर। क्यों नहीं आओगे? मैं गाड़ी में जाकर बैठूंगा। आप चलाएंगे गाड़ी? चलिए, हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह उठ गए और अब हम सोच रहे हैं कि रंग लगाना कहाँ से शुरू करें, और कोको आ गया मिट्टी को हैप्पी होली बोलने के लिए। मिट्टी हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली। कोको आ गया सबसे पहले। कोको ने अपनी जीभ का रंग मिट्टी के मुंह पे लगा दिया है। अभी संभावना आ रही है थोड़ी देर में हम थोड़ा एक दूसरे को कलर वगैरह लगाएंगे, होली का शुभारंभ करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कैसे क्या प्लान बनता है। ओ माय गॉड, आप लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारक। और आज मिट्टी को लगेगा ये नॉट मच हिंदी व्लॉग है। हिंदी व्लॉग है। नॉट मच की हिंदी। नॉट मच की हिंदी। ज्यादा मत लगाना। क्यों दिखा खेलते हो होली? आपको नहीं अच्छी लगती? नहीं अच्छी लगती। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, बैठ के अच्छी तरह से बुआ से रंग लगवा लेंगे। क्यों नहीं अच्छी लगती? थोड़ा सा लगाऊं? ज्यादा लग मल दो इसके मुंह पे। नहीं नहीं, थोड़ा सा लगाओ। थोड़ा लगा देती हूँ ज्यादा? आपकी मर्जी है। अच्छा ठीक है भाई। नहीं खेलता कोई तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हैप्पी होली मिट्टी। हैप्पी होली। ओ हैप्पी हो। देखो कोको भी आपको हैप्पी होली बोल रहा है। ओ हैप्पी होली। दूसरा लगाऊंगी मैं ये वाला। हैप्पी होली मिट्टी। हैप्पी होली। तुम भी लगा दो। तीन अलग अलग कलर लगा दिए तुमने। थोड़ा थोड़ा। कौन सा बच गया है? ये बच गया। ओ माय गॉड। नहीं उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ठीक हो? नहीं नहीं, फिर नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार और लगाएंगे। नीचे बैठो। इसके बाद नहीं लगाएंगे। अच्छा मिट्टी आप भी लगा दो थोड़ा। इतना तो करते हैं। तो मैं तो कर रही हूँ। थोड़ा बाहर चलोगे मेरे साथ? मेरे को नहीं लगाएंगे। ओहो आपको लगाएंगे? कौन सा कलर? कोई भी लगा दो। लगा दो, ये उतरता नहीं बेटा। लगाने आ जाओ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मिट्टी के लिए बाहर नहीं जाएगी, तेरे आप लोग खेल के आ जाओ, जहाँ जाना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यार ये भी तो बच्चों को आप जिद भी नहीं कर सकते ना किसी चीज की। थोड़ी देर चल दो। मैं नहीं। थोड़ी देर कर दो बस, नाले वाले में फेंक के एक बार गड्ढे वड्डे में गिरा के उसके बाद फिर लेंगे वापस। आपको पानी वानी में फेंक देंगे आपको। मेरे यूजुअली होता है 2 मिनट निकलना, मतलब कोई ना कोई कलर लगा के जाएगा, बस होगा मेरा। नहीं तो इधर तो आपको कोई नहीं जानता ना, कोई नहीं लगाएगा कलर। जानते हैं। नहीं नहीं चलो ठीक है, आप मुंह धो लो, हम लोग होके आते हैं फिर। ठीक है आप घर में अच्छा सा ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, हम कल सुबह आते हैं। तो भाई अनफॉर्चुनेटली होली के व्लॉग में मिट्टी नहीं दिखेगी, क्योंकि मिट्टी को तो जाना नहीं है बाहर। मिट्टी डजंट लाइक ओनली पहले से, तो इसको मैं जिद भी नहीं करूंगी कि आज हमारे साथ चलो, आज हमारे साथ चलो। आप क्या करने वाले हो? काम कर लूंगी। काम करोगे? ठीक है भाई, फिर हम लोग थोड़ा यहाँ पे होली करके आते हैं। मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, नहा धो लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक तो जी मैं नहा के तैयार हो गया हूँ। और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। ओके अब थोड़ी सी बच्चों की छाछ अपनी होली होली कर लें। कौन सा लगाऊं? कौन सा कलर आपको? मेरे को? हाँ। कोई भी लगा दो, थोड़ा सा लगाना। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। बस इतना ही, ज्यादा नहीं। अच्छा नहीं नहीं ये लो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये तो लग रहा है तुम्हारी हल्दी हुई है। थोड़ा सा ये भी लगाओ। हाँ नहीं तो ऐसा लग रहा है लड़की हल्दी मना के आ रही है। हैप्पी होली। और आप लोगों को भी हैप्पी होली। ये लो टीका, पहले अमिता को लगा देते हैं फिर बच्चों को। अमिता आई बड़ी, चलिए मत लगाओ। पिंक। अच्छा अच्छा कलर चॉइस भी बता रही है। चलिए मैं अपने पर लगा लेती हूँ। ठीक है तो बता कौन सा होगा? पिंक वाला। ये होगा? ये वाला। ये वाली। भाई साहब हैप्पी होली। अरे लगा दे दीदी, दीदी को भी लगा दे। दीदी को ये लगा दे, ये लगा दे तेरे। कोई भी लगा दे, दीदी को सारे मिला के लगा दे। यही यही कलर। भैया का भी। भैया को लगा अब येलो। येलो नहीं लगाओगे? मेरे को ब्लू लगा दे थोड़ा सा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अब मेरे छोटे छोटे बच्चों की बारी भी है भाई। हैप्पी होली। मेरे छोटे छोटे बच्चों की बारी है। कौन सा लगाऊं मैं भी बच्चों को? मेरी सबसे पहले आज कोको कोको की पहली होली है। हाँ पहली है। उठा इसको। हाँ पहली है। हाँ पहली होली है ना इसकी। ओए होए पूरा भाई 1 ईयर का भी कहाँ हुआ है। इधर को आगे तक इसको कौन सा लगाऊं? ये लगा लो। हाँ इसको डार्क रेड लगाओ, ये वाला अच्छा लगेगा इसको। कोको हैप्पी होली बेटा।
हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली। बस बस बस, छोटा छोटा ठीक है, छोटा छोटा बिल्कुल छोटा लगाना इनकी आंखों में ना गिर जाए। हैप्पी होली चंचा, कितना अच्छा दिख रहा है। हैप्पी होली केंदा, हैप्पी होली चेहरा। आई चेहरी तो सबसे सुंदर लगी मेरी। तो जी मेरी बच्चों की होली भी हो गई, सब बच्चों की होली हो गई भाई, सब बच्चों की होली होगी। अब बच्चों को मिलेगी होली की हड्डी। ला हड्डी दे, हड्डी खाएंगे सारे बच्चे। आप फटाफट आ जाओ, अब मिलेगी सबको होली की हड्डी। वो नाक मार रही है मेरे को, सुन सुन ये खत्म कर मैडम, ध्यान से। पहली होली को को की पहली होली है ना, तो होली हड्डी कोको को मिलेगी। अब मिलेगी मई कैंडी और चुनचा को, छोटी छोटी। अच्छा चुनचा लेगी पहले, ठीक है। और चेरी को मिलेगी पूरी, पूरी फुल वन हड्डी। हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो तो जी, अब हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा सा कॉफी ऑफी पी के आएंगे। हमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी करेंगे वो आपको दिखा देंगे। हमें सिर्फ नीचे जाऊंगी मैं। तो हम लोग अभी राहुल को पिकअप कर रहे हैं, राहुल भी अकेला है, तो राहुल को पिकअप करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप सिर्फ देख लो मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं। चिंचा ले मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी। नहीं नहीं आना नहीं है, नहीं नहीं आप साथ नहीं जा सकते, साथ नहीं जा सकते बेटू, होली का दिन है ना, साथ नहीं जा सकते हो आप। पकड़ इसको, आप मिठी दीदी के पास बैठो। चलो ये तो आप नहा रहे हो पूरा। अरे अरे ये क्या, ये क्या होली है? अरे हैप्पी होली। पहले मुझे ये सब कितना पसंद था अविनाश, अरे मुझे अब ये सब पसंद ही नहीं आता बिल्कुल भी। पहले हम लोग हर होली पे नई पिचकारी अफोर्ड नहीं कर पाते थे ना, हाँ। तो हम पुरानी पिचकारी का वार्सल लेके साइकिल वाले के पास जाते थे, जो साइकिल वाला होता है ना, जो पंचर लगाता है, वो वार्सल ठीक करता था पिचकारी का, ठीक करके फिर हम पुरानी पिचकारी को नया करते थे। पहले मतलब ऐसे होली एंजॉय करने में बड़ा मजा आता था, मतलब पार्टीज करने में, ये करने में। धीरे धीरे वो सब चला गया। पहले कितना पार्टी करते थे अविनाश। हाँ भाई कहाँ पे हो? बस अपने ये जहाँ मिलता हूँ। ठीक है हम लोग निकल गए, आ जाओ। ओके ओके। ये देखो देखो ये होता है होली का। अरे उसको समझ नहीं आ रहा यार, बाइक चलाना नहीं आ रहा क्या उसको? भूल गया होगा। चलापा चल पड़ा। ओ भाई हैप्पी होली। अरे तुम तो यार एकदम व्हाइट पहन के एकदम होली खेलने के मूड में हो। और क्या, ये कहा हैप्पी होली, ये तो होली होली। हाँ ये तो होली, इनकी होली होली। आओ तो, अरे तो पहले रंग तो लगाओ राहुल को, पहले बैठ तो जाने दो मुझे। आओ खोलो, धूप लग रही है मुझको, ये होली खिलाएंगे। मिट्टी ने तुम्हें हैप्पी होली बोला है, उसने कहा लेकिन मैं आऊंगी नहीं। मैंने कल ही बोल दिया, कल ही बोल दिया। चलो हो रही है भाई, होली के दिन ही गर्मी शुरू हो जाती है क्या? यार ये क्या हुआ है? बड़े बुजुर्ग सही बोल गए कि होली के दिन से गर्मी शुरू। ये गुलाल मैंने मंगा दिया। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ हाँ उनको तो बिल्कुल याद है यार। अरे ध्यान से चेयर गंदी मत करना। याद आया बस यार, मिर्च लग रही है मेरे को लग रहा है गुलाल नहीं है ये। स्कैम हो गया भाई, स्कैम हो गया। मिर्च दे दी गुलाल। अरे 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 ये क्या भाई, हमारी तरफ यही होता है। हमारी तरफ मैं किसकी तरफ हूँ? हमारी तरफ। अरे तो ये प्लेट हटे सब, तो मैं लेके खड़ा हूँ। चप्पल मत लगा देना, मैं लेके खड़ा हूँ। आशीर्वाद कतई यूपी के भाभी देवर वाली होली हुई। थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा है। हैप्पी होली। मेरे मैम से भी कह थैंक
तैयार होता है। हैप्पी होली। कॉफी पिलाते हैं तो? इतना मैंने बोला राहुल को एक अच्छी फोटो ले दे, एक भी अच्छी फोटो नहीं ली है इसने, इतनी गंदी फोटो ली है ना हमारी, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाओगे? बाहर। क्यों नहीं आओगे? मैं गाड़ी में जाकर बैठूंगा। इतनी बकवास फोटो ली है, इतना बोला अच्छी, एक भी अच्छी नहीं है। मैंने डाल दी होगी इंस्टा पे, जाओ चेक कर लो, लेकिन मुझे आप चलाएंगे गाड़ी। चलिए हैप्पी होली। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बीच पे और देखेंगे कि बीच पे क्या हो रहा है। अगर अच्छा लगा मामला तो थोड़ी देर बीच पे रहेंगे हम लोग। हम बीच पे जा रहे हैं? हाँ जी, आपको पता नहीं थी बात? हमें क्या ही पता रहता है ये कहाँ जा रहे हैं। शराब की स्मेल आ रही थी हेलमेट में से। आएगी नहीं। मेरे को लगा एक बार को कि जैसे मैंने पी हुई है। भपका है। उसमें कई ब्रांड भी होंगे ना। तो जी बीच पे गए, लेकिन बीच बंद था, सेफ्टी रीजंस की वजह से बीच बंद कर रखा है, क्योंकि लोग पी पा के बीच पे जाते हैं और फिर खेल खेल में डूब जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ का बीच बंद है, वो पीछे वाला बीच खुला है सबके लिए। वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा होगी ना, यहाँ कम थी, इसलिए दो दो जगह पे कैसे पुलिस हैंडल करेगी। क्या है ये अविनाश, इतनी भीड़ कहाँ से उड़ रही है भाई? मैं तो पहली बार आया हूँ होली पे इस साइड, जुहू साइड में। ओ बाप रे बाप, मुझे पता ही नहीं था इतनी भीड़ थी। अरे अभी तो बीच के अरे अंदर टेम्पो में लोड करके आए हैं लोग। हाँ, गणपति की तरह होली खेलने। मेरा ये बहुत पहला अनुभव है। ये तुम्हारी पहली हो रही है होली है क्या यहाँ पे? हाँ, सॉरी, मेरी पहली होली 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 है। पहली मुंबई की होली है? क्या बात कर रहे हो? पिछले साल तो मैं चला गया था ना। हम सिर्फ घूम घूम के ये देख रहे हैं कि पार्टी कहाँ कहाँ हो रही है। देखो इधर हो रही है पार्टी। और सारी दुनिया पैदल घूम रही है, पता है? हाँ। यहाँ से लोग जुहू से लेके बांद्रा तक पैदल चले जा रहे हैं। ए बेटा। भाई साहब, हम लोग गाड़ी के अंदर ही ठीक है, मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, हम ऐसे ही चलते उठते हैं। सिल्वर बीच का रास्ता फुल है पूरा। पूरी दुनिया है क्या यहाँ पे? बाप रे बाप, पूरी दुनिया आई हुई है क्या? अभी हो रहा है ना अड्डा, ये देखो यहाँ पे पूरी पार्टी। अरे 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 अरे, वो ग्रीन वाला मुंह देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे चश्मे के अंदर ग्रीन मुंह है यार। होली तो फिर इसी तरीके से खेली जाती है। और क्या, ऐसे थोड़ी कि आप गाड़ी में सेफ होके बैठे हुए हो। नहीं नहीं, हम होली खेल ही नहीं रहे ना, वी नॉट प्लेइंग होली, हम खेलता हुआ देख के एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आगे रास्ता बंद है लग रहा है। हैप्पी होली। ओ होली पे देखो आपको चीची मिलेगी। चला इधर। तो जी हम लोग नीचे आए बच्चों को लेके थोड़ा सा घुमाने के लिए, और मिट्टी आज बिना होली खेले इतना लंबा सोई है कि क्या बताएं भाई। हमसे ज्यादा तो वो थकी हुई है घूम के, हम आए बाहर से, तो उसको छोड़ के हम लोग आ गए नीचे। अभी चेरी को थोड़ा बॉल खिलाएंगे, राहुल भी यहीं है, हम लोग एक मूवी देख रहे थे आधी छोड़ी है, अभी इनको घुमाने का उसको पूरी करेंगे, फिर देखेंगे रात का क्या प्लान है, घर में खाना है, बाहर खाने जाना है, क्या करना है। हाँ भाई चेरू मामा, लॉ बॉल दो। अरे मान जा यार। पतीली कहीं भी आई जाती है। अरे ये जब काटती थी ना तो अंदर की रूहें कांप जाती थी लोगों की। आज रहा देखो ना, दोनों साथ में कैसे खड़ी थी। क्या कर रही है? दोनों साथ में ना खड़ी होकर ट्विनिंग कर रही थी, साथ में चल रहे हैं, दो बैलों का जोड़ा। पापा ने नाम रखा था ना इनका, दो बैलों का जोड़ा। तो जी नीचे से ही खाली छुंछा को लेके हम लोग निकल गए, कॉफी लेने जा रहे हैं। कॉफी खत्म हो गई क्योंकि, और आज कोई भी जो भी आप वी फास्ट करो या कुछ भी करो ऑर्डर पिकअप करने के लिए, कोई भी बुक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि होली की वजह से हर कोई मना कर दे रहा है। घर में कॉफी खत्म हो गई थी, हम दोनों नीचे से निकल के आ गए छुंछा को लेके, स्टारबक्स जा रहे हैं अपने कॉफी बीन्स लेने, फिर वहां से आते हुए घर पे आएंगे। आज जैसी शांत होली हमने कभी नहीं मनाई, थोड़ा तो हो हल्ला होता ही है, बिल्कुल शांत। आज तो हमने कुछ भी नहीं किया यार, किसी से भी नहीं मिले, बट ठीक है। हर होली सेम थोड़ी होती है। तो जी अभी बीच में इमीडिएटली गाड़ी रोकी है, क्योंकि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है संभावना को। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखो घर में हमारे एक बच्चा आया हुआ है,
और मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उसको जज मत करो. यू रियली डोंट नो हर. और वो व्लॉगिंग में उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना. मैं मिठी की बात कर रही हूँ एंड मेरे को कल के कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़े हैं. और अगर मिठी के लिए हेट आएगा तो मैं उन कमेंट्स को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि मैं कोई भी ट्रोलिंग या कोई भी हेट्रेड मैं मेरी तरफ फिर भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मेरे बच्चे के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. और ये आप लोगों को सबको एज अ ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए कि अगर वो बच्चा कमेंट्स पढ़ ले आपके, मुझे ऑफ भी इसीलिए करने पड़े हैं कि अगर वो बच्चा आपके कमेंट्स पढ़ ले, आप कभी सोच सकते हो कि उसकी उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी. हम लोग सिर्फ इतना ही समझ लेना तो लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी सबके लिए. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्लॉग्स देखते हैं जिनके अपने बच्चे हैं. क्या ये आप अपने बच्चे को दिखाना चाहोगे अगर उनके लिए कोई बैड कमेंट्स आए? नहीं ना, तो मेरे बच्चे के लिए मत करो. और मैं आपको बता दूं कि मिठी ऐसा कुछ गलत कर नहीं रही है, शायद आपको उसका टोन समझ नहीं आ रहा. हमारे मजाक, हमारी अपनी आपसी बातें ऐसी चलती हैं. वो बच्चा यूज्ड टू नहीं है. आप ज्यादा जजमेंटल हो रहे हो, मत हो. और मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि अगर आगे भी मुझे ऐसा लगा कि मिठी के लिए व्लॉग्स में कोई गलत जजमेंट पास कर रहा है या गलत कमेंट आ रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी. दिस इज ऑल आई कैन डू. और इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लेट्स बी नाइस टू द किड और उसके लिए गलत कमेंट्स मत पास करो. हमारा बच्चा है वो. तो ये ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी अविनाश और मैंने, तो आप लोगों को मेरे बोलने का तरीका बहुत खराब लगता था टुवर्ड्स अविनाश में, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगती थी. तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आया ना कि मेरी नेचर एक्चुअली क्या है. तो उस बच्चे की नेचर आपको चार दिन में कैसे समझ में आ जाएगी? हो सकता है 15 दिन भी आगे लग जाए तो भी आपको नेचर नहीं समझ में आए. तो उसको इतना टाइम नहीं मिला है कि आप लोगों को एक्चुअली समझ में आए कि वो बच्चा कैसा है. शी इज अ वेरी इमोशनल गर्ल. लेकिन हमारी बॉन्डिंग कैसी है बात करने में वो हम ही लोग जानते हैं और हम लोगों को वही अच्छा लगता है. अगर सडनली वो अलग रूप लेके बात करेगी तो मुझे नहीं जमेगा. तो मेरा और उसकी बॉन्डिंग बहुत अलग है, बहुत ऐसी ही है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से ऐसी मजाक करते हैं. मैं उसको रोस्ट करती हूँ, वो मुझे रोस्ट करती है. आपको लग रहा है कि डिसरेस्पेक्ट कर रही है? नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करती है. मैं उसकी बुआ हूँ और उससे भी कई ज्यादा बॉन्डिंग उसकी अविनाश से है. तो प्लीज आप लोग इस चीज को समझो और गिव हर टाइम, मतलब लेट्स नॉट जज हर. इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करूंगी और होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आएगी मैं क्या बोल रही हूँ. और आपको मिलते हैं हम लोग कल. बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.